फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं देवड़गांव राजा की सबसे बड़ी और नामांकित इंडस्ट्रीज नवीन कॉट फाइबर में। यहाँ चिराई पावर की ओर से 150 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है और आज हम यहाँ मिलेंगे एक इंस्पायर लीडर और यहाँ के डायरेक्टर मिस्टर बबलू जी तयाल सर से और जानेंगे उनका सोलर सिस्टम के साथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर के बारे में कहा जाए तो उनकी महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी कई सारी कॉटन इंडस्ट्रीज है, तो आज हम सर से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और जानेंगे उनसे कि उन्होंने सोलर सिस्टम के साथ में जो भी अपना 2 साल से सिस्टम का यूज़ करके वो खुद की बिजली बना रहे हो तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस महसूस किया है। तो चलिए चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तो सर, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने आपका इतना कीमती समय हमें दिया और अभी ये 150 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाकर पर्यावरण को कार्बन फुटप्रिंट से होने वाले हानि से बचाया है। तो सर, आज हमें आपसे जानने में खुशी होगी कि जब आपने सोलर सिस्टम लगाने का सोचा था तो आपसे कई सोलर कंपनीज मिलने आई होगी, सब ने आपको उनके सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा, तो आपने चिराई पावर को ही क्यों चुना अपना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट करने के लिए? सर, मैंने कई सारी कंपनीज से बात की। एक्चुअली जो सोलर सिस्टम है ये कोई 6 महीने या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, ये मिनिमम 25 साल का प्रोजेक्ट है और मैंने वारी कंपनी को चूज़ किया है, ये 27 साल का प्रोजेक्ट है। तो व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो बाद में इसका लॉन्ग लाइफ तक के 27 साल तक के इसका मेंटेनेंस या इसके बारे में जो भी तकलीफ आती है वो उसको उसके ऊपर हमारी सुन सके और उसको हमको उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सके। Yes, तो ऐसे मैंने कई लोगों से बातचीत किया लेकिन मुझे करंट सर जो आप इस कंपनी के डायरेक्टर है चिरायू पावर के, मेरा उनसे इसके पहले कभी कोई बातचीत नहीं था, लेकिन जब से मैं उनके टच में आया मैंने बातचीत करी तो मुझे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति जो हमको आखिरी तक के 25-27 सालों तक के हमारा साथ देंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेस करेंगे। और अभी भी वो उनके वहाँ बरोबर हर मंथली हर डेली मॉनिटरिंग करते हैं और मंथ में कितना जनरेशन होता है वो हमको उधर से फ़ोन लगा के उनका रिप्लाई आता है, इस मंथ आपका बिजली कम बना है, इस मंथ बरोबर बनाए, और जिस दिन भी हमारा इंटरनेट बंद रहता है उसी दिन उनका उनके स्टाफ का फ़ोन आ जाता है कि आज नेट बंद है, हम मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे। तो हमको उनकी जो फैसिलिटीज़ है बहुत अच्छी लगी है, प्लस उन्होंने जो हमारे वर्किंग करके दी उससे हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, बहुत बढ़िया वर्किंग करी उन्होंने, उसके उन्होंने क्लीनिंग के पाइप तक उन्होंने भेजे हैं, क्लीनिंग करने के जो स्वीपर्स वगैरह हैं वो तक उन्होंने भेजे हमारे को और हम उनसे बहुत हैप्पी है कि उनकी सर्विस बहुत अच्छी सर्विस है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे कि सोलर सिस्टम लगाने के पहले और सोलर सिस्टम लगाने के बाद आपको इकोनॉमिकली क्या चेंजेस नज़र आए हैं? सर, सोलर सिस्टम लगाने से बहुत अच्छा है, मेरी इंडस्ट्रीज को साल भर में जितनी बिजली लगती थी उसका 70% में ये सोलर से ही जनरेट हो जाती है, तो मुझे 30% ही बिल पेड करना पड़ता है। हाँ सर, और हमारा सीजनल बिजनेस है जो कि अप टू नवंबर से लेके अप्रैल तक के चलता है, तो फिर जो मई से लेके अक्टूबर तक के जो बिजली बनती है वो हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में क्रेडिट रहती है, और जब हमारा वापस से नवंबर से प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो हम नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च हर बिल में वो एडजस्ट करते जाते हैं। तो हमको तो जो गवर्नमेंट का चार्ज लगता है 7.15 रुपये पर यूनिट, उसके सामने वो बिजली पूरी एडजस्ट हो जाती है, तो हमारे लिए तो सर बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है। और किसी भी यूनिट के लिए यदि बिजली जो हम खुद प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो हम तो उसको 7.15 रुपये से कैलकुलेट करते हैं ना सर, हमारे लिए तो बहुत बेनिफिटेबल है सर। जी सर। सर, जैसे हमने महाराष्ट्र में बहुत सारे बड़े इंडस्ट्रीज को सोलर सोल्यूशन प्रोवाइड किया है और आपके इंडस्ट्री पे भी हमने 150 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है, हमें आपके साथ कार्य करने का मौका मिला इसमें हमें बहुत खुशी है सर। तो आपके एक्सपीरियंस के बेस पर ऐसे मार्केट में बहुत सारी जो कंपनीज है जो सोलर सिस्टम को लेकर कंफ्यूज है, सोलर सिस्टम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करोगे? सर, सोलर तो लगाना ही चाहिए, 100% लगाना चाहिए, और मुझसे तो यदि मुझे तो और लाइफ में यदि मेरी और कोई फैक्ट्री में लगाने का मौका पड़ा तो मैं चिरायू पावर करंट व्यास ही लगवाऊंगा सोलर, और बगैर सोलर के तो इंडस्ट्री सर्वाइव कर ही नहीं सकती है। कॉम्पिटिशन के ज़माने में आपको समय के साथ चलना पड़ेगा सर। सर, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बच रहा है, आज हमारी उतनी कॉस्टिंग कम हो रही है। हाँ। सर, सोलर तो हर प्रोजेक्ट के लिए मस्ट है, इवन अपने हाउसेस पे भी जितनी भी बिजली की अपनी अपने को जरूरत है उसका 80% जनरेशन तो सोलर से होना ही चाहिए। जी सर। सोलर इज द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि चिराई पावर ने किए हुए सोलर इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनलिज्म, वर्कमैनशिप, टीम सपोर्ट को आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहोगे? सर, मैं 10 में से उसको 10 मार्क देना चाहूँगा, और यदि 10 में से 11 देने सकते हैं तो मैं 10 में से 11 दूंगा उसको। हम बिल्कुल सेटिस्फाइड है उससे,
बहुत अच्छा, और मुझसे यदि कोई भी पूछता है तो मैं एवरीवन व्यक्ति को चिरायु पावर से काम करने की ही एडवाइस देता हूँ। भैया ने कभी हमें, करण भैया ने हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए, इवन हमें टाइम से पहले उन्होंने वर्किंग हमारी कम्प्लीट, उन्होंने हमसे 1.5 महीने का कमिटमेंट किया था, उन्होंने 1 मंथ में काम कम्प्लीट किया और ऑलरेडी हमारा जनरेशन भी स्टार्ट हो गया था। और हम उनसे बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका कीमती समय हमें दिया और हमारे जो दर्शक है उन्हें बहुत ही बढ़िया आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। हम आशा करते हैं कि आपके और हमारे संबंध ऐसे ही आगे चलते रहे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।